हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी मज़े में होंगे। तो मैं आज अपनी पहली वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। क्योंकि आपको तो पता चल ही चुका होगा कि आज मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ, जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। मैंने कई बार देखा है कि लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई हम बैकग्राउंड इरेज नहीं कर पाते। इसलिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बैकग्राउंड इरेज करने का एक सिंपल, आसान और एक ऑसम ट्रिक, जिससे आप कहीं भी मज़े से अपने पिक्चर के बैकग्राउंड को आराम से इरेज कर सकते हैं। और अगर हाँ आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ पे आपको सिंपली बैकग्राउंड इरेजर टाइप करना है। बैकग्राउंड इरेजर टाइप करने के बाद आप सिंपली इसको सर्च कर सकते। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की ऐप नज़र आएगी। अगर आपने डाउनलोड कर रखी है तो आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद ऐप को सिंपली ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, लोड इमेज और हाउ टू यूज़। आपने सिंपली लोड इमेज पे जाके एक इमेज लोड कर लेनी है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा इमेज को क्रॉप करने का। अगर आपने इमेज को क्रॉप करना है तो क्रॉप कर लीजिए, अदरवाइज इमेज को ऐसे ही अपलोड कर लें। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से आप आसानी से बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। इन टूल्स की मदद से आप जो भी बैकग्राउंड है ट्रांसपेरेंट, उसको आप चेंज कलर चेंज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप क्रूजर का जो साइज है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड को इरेज करना। इसके लिए मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है मैजिक बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो अगर आप चाहो तो जो मैनुअल है, मैनुअल बैकग्राउंड इरेजर टूल, उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये कंफर्टेबल लगता है तो मैं इसी में ज़्यादा काम करता हूँ। वैसे मैं मैनुअल भी यूज़ करता हूँ, जब जरूरत पड़े आपको दिखाऊंगा आगे कि मैनुअल कहाँ पे यूज़ करना है, मैजिक कहाँ पे यूज़ करना है, रिपेयर कहाँ पे यूज़ करना है। धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। तो फिलहाल हम इससे इरेज करते हैं ये जो बैकग्राउंड है सारा दिन। जैसे कि आप देख रहे हो कि पिक्चर का थोड़ा सा जो पार्ट है वो इरेज नहीं हो पाया। इसके लिए हम क्रूजर का जो साइज़ है उसको कम या ज़्यादा करेंगे, ताकि वो पिक्चर के हिसाब से एडजस्ट हो सके, इरेजर के हिसाब से एडजस्ट हो सके, और पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके अच्छे से उसे इरेज कर सकें, ताकि हमारी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया हो। अब आप देख सकते हो कि हमने जो पिक्चर इरेज की है उसमें इरेज करते टाइम कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं बॉडी के, वो काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उन पार्ट्स को रिपेयर करना होगा, जिसके लिए हमें रिपेयर वाले टूल पर क्लिक करना है। पिक्चर का जो भी साइज यहाँ पे डैमेज हुआ है उसको हम बहुत ही स्मूथली और केयरफुली रिपेयर करेंगे। तो धीरे धीरे रिपेयर करेंगे इसको। हमारी जो पिक्चर है वो रेडी टू यूज़ है। इसके बाद डन के निशान पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर आकर आपको स्मूथनेस के लिए जो है ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप पिक्चर की जो स्मूथनेस है वो किस हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। पिक्चर की स्मूथनेस सेट करने के बाद आप सेव के निशान पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे। अब हमारी इमेज बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।